तो राखी के त्योहार के साथ ही हमारा फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है। तो आज मैं आप लोगों को बादाम पूरी की रेसिपी बताऊंगी, जो कि बहुत ही सिंपल इजी स्वीट डिश है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सो बादाम पूरी के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे बादाम का पेस्ट। तो यहाँ मैंने 15 बादाम को आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो के रखा था। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। और अब मैं इसके छिलके निकालूंगी और इसे ब्लेंडर में अच्छी तरह से ब्लेंड करके एक फाइन पेस्ट बना लूंगी। तो ये मैंने सारे बादाम पील कर लिए हैं और इसमें मैं 2 से 3 टेबल स्पून वाटर ऐड करके इसे स्मूथ पेस्ट में ब्लेंड करूँगी। तो अब हमारा बादाम का पेस्ट बनकर तैयार है और इधर मैंने लिया है 1.5 कप मैदा। इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ 2 टेबल स्पून रवा। इसके बाद हम ऐड करेंगे 1/4 टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबल स्पून शुगर, 1/4 टी स्पून सॉल्ट, 2 टेबल स्पून घी और इसी में मैं डाल दूंगी ये बादाम का पेस्ट और अच्छी तरह से हमें इसे गूंदना है अभी। तो पहले हमें अच्छी तरह से बादाम के पेस्ट के साथ ही इसे गूंद लेना है और ज़रूरत पड़ती है तो आप 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून करके थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध मिला के अच्छी तरह से मैदे का आटा गूंद लें। तो मैदे को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है और इस टोटल प्रोसेस में मुझे सिर्फ 1 टेबल स्पून मिल्क यूज करना पड़ा था। तो आप भी हमेशा ध्यान रखें, बिल्कुल भी गीला ना गूंदें, ये इस तरह से हल्का टाइट होना चाहिए। और इसे अब मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रखूंगी और दूसरी ओर हम इसकी चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी में मैं डालने वाली हूँ 1 कप शुगर। तो 1 कप शुगर में हमें डालना है 1/2 कप पानी और इसे अच्छी तरह से बॉयल आने तक हमें पकाना है। उसके बाद आखिरी में चेक करना है कि जब तक 1 थ्रेड की कंसिस्टेंसी ना आ जाए तब तक हमें इसे बॉयल करते रहना है। सो 3 से 4 मिनट में आप देख सकते हैं किस तरह से ऐसे चाशनी हो गई है और मैं आपको हाथ में लेकर इसको दिखाती हूँ। तो ये देखिए 1 थ्रेड आने तक हमें पकाना है। तो 10 मिनट इसके रेस्टिंग के बाद फिर से हमें एक बार इस तरह से इसे नीड कर लेना है। 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसे नीड कर लें। 1 मिनट के लिए नीड करने के बाद इस तरह से हमें राउंड राउंड शेप्स में बॉल बना लेने हैं और पूरी के शेप में इसमें बनाना है। तो जब तक ये सारे बनाएंगे मैं दूसरी और कढ़ाई में या पैन में आप ऑयल गरम कर लें और जब तक हमारी पूरियाँ रेडी हो जाएंगी उधर ऑयल भी गरम हो जाए रहेगा। तो मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है, जब तक मैं उधर पूरियाँ बनाऊंगी तब तक ये ऑयल भी गरम हो जाए रहेगा। अगर आप चाहें तो इस तरह से पूरी जैसे राउंड शेप में बेल सकते हैं और अगर आपके ये राउंड शेप नहीं होते हैं तो आप इसे किसी ग्लास से कटोरी से राउंड शेप में काट भी सकते हैं। तो मैं तो इसे काटूंगी जो कि मुझसे राउंड शेप बनता नहीं है ज़्यादा। इस तरह से मैंने इसे फ्लैटन कर लिया है और मैं इसे एक कटोरी के मदद से राउंड शेप में कट करूंगी। और ध्यान रखें कि हमें इसे थोड़ा थिक रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है, पूरी से भी मोटा बनाना है इसे। तो इस तरह से 1.5 कप में मेरे 7 इस तरह की पूरियाँ बनी हैं और अब हमें इसमें हल्का सा घी ऐसे लगा कर एक फोल्ड करना है और दूसरी ओर भी हल्का सा घी लगा के एक और फोल्ड करना है और बीच में हमें इस तरह से एक लौंग ऐड करना है। तो इसी तरह से अब मैं सारे पूरियों को निकाल लूंगी। तो इस तरह से मैंने सारे पूरी बना लिए हैं और बीच में हमें ऐसे लौंग इंसर्ट करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, यहाँ मतलब घी होना चाहिए, ये सारे एक दूसरे से स्टिक हो जाने चाहिए। तो चलिए उधर चेक कर लेते हैं कि हमारा ऑयल हो गया है या नहीं। तो तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है और अब बस हम इसमें 1 by 1 अभी मैंने फ्लेम एकदम लो रखा है। आप चाहें तो हल्का मीडियम या लो में रख के हमें इसको इस तरह से अब डिप करना है। ध्यान रखें फ्लेम को हमें लो ही रखना है।
तो अब हल्के हल्के ये ब्राउन हो गए हैं, तो मैं अब इन्हें एक बार पलट कर फिर से पकाऊंगी। इन्हें पकने में 3 से 4 मिनट लगते हैं, 3-4 मिनट हमें लो फ्लेम में पकाना है। सारे पूरी को आप इस तरह से एक बार उलट दें ताकि दूसरी ओर से भी वो अच्छी तरह से पक जाए। तो सारे पूरी को मैंने अच्छी तरह से मतलब चारों तरफ से पलटा कर अच्छी तरह से पका लिया है। तो अब हमें इन्हें अच्छी तरह से ऑयल ड्रेन करके इस तरह से पहले टिश्यू में निकाल लेना है ताकि इसमें बिल्कुल भी ऑयल ना रह जाए। तो आप देख सकते हैं सोडा डालने की वजह से ये थोड़े से फूल भी गए हैं और साइज में बड़े हो गए हैं। तो चाशनी जब ठंडी हो गई थी तो मैंने उसे एक बाउल में निकाल लिया था और अब हम सारे पूरी को इसमें इस तरह से डिप करेंगे। आप चाहे तो इसे जब परोसना हो, जब खाना हो उसी वक्त डिप करके दे सकते हैं, और अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो इस तरह से इसे सोख कर आधे घंटे बाद भी परोस सकते हैं। तो अब मैं इसे खाने की प्लेट में परोस रही हूँ। और इसे आप कोकोनट पाउडर से अच्छी तरह से गार्निश करें। बादाम पूरी बनकर तैयार है। ये घर पर बहुत आसानी से इजीली बन जाती है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो जरूर इसे इस रक्षाबंधन आप घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय।